हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको अगले वीडियो में कहा था कि सेट टू फ्रेम साइज और स्केल टू फ्रेम साइज क्या है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेट टू फ्रेम साइज और स्केल टू फ्रेम साइज के बीच का डिफरेंस। मैं हूं विरल सुतरिया फ्रॉम द परफेक्ट क्रिएटिव स्टूडियो, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सेट टू फ्रेम साइज और स्केल टू फ्रेम साइज के बीच का डिफरेंस जानने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारे टाइमलाइन में यहाँ पर अभी दो क्लिप्स है, और इस दोनों क्लिप का रिजोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, एक है 4K और एक है फुल HD। तो कई बार आप मल्टीपल साइज के वीडियोस एक टाइमलाइन में यूज़ कर रहे हो, या तो आप कोई इमेजेस यूज़ कर रहे हो, तब यह इश्यू हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली इमेज की साइज़ वीडियो रिजोल्यूशन के साइज से नॉर्मली लार्ज ही होती है, ज़्यादा ही होती है। तो जब आप उसे अपनी टाइमलाइन में इम्पोर्ट करते हो, तब आपको वीडियो में या तो इमेज में इश्यू आ सकता है। देखिए, ये जो वीडियो है 4K वीडियो है, पहला जो वीडियो है वो फुल HD है, ये प्रॉपर पूरी फ्रेम में सेट ही है। लेकिन यदि इसे हमें सेट करना है, तो यहाँ से देखिए, इसके एक दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपका वीडियो या इमेज सीक्वेंस की कंपेयर में छोटा या तो बड़ा है, तो आप यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल में मोशन टैब में जो स्केल है, वहाँ से आप उसे अप या डाउन कर सकते हैं। देखिए, यदि मैं इसे यहाँ से 50% तक डाउन करूँ, तो यह फ्रेम में परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी एक कूल वे है। लेकिन इसका क्विक वे है, अभी हम कमांड जेड कर देते हैं, उसका एक क्विक वे है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ राइट क्लिक करें, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, एक है स्केल टू फ्रेम साइज और एक है सेट टू फ्रेम साइज। तो यदि हम यहाँ से स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं, तो अडोबी प्रीमियर प्रो उसे ऑटोमेटिकली आपकी फ्रेम साइज में उसे स्केल कर देगा। देखिए, अभी हम यहाँ से स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं, तो जैसे ही हमने स्केल टू फ्रेम साइज किया, हमारी वीडियो फ्रेम में परफेक्टली फिट हो गई। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए आप, इसका स्केल अभी 100% पर है, मतलब अडोबी प्रीमियर प्रो ने इस इमेज को रास्टराइज करके 100% में ही स्केल कर दिया, तो इसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी थी वो अभी लूज हो गई। यदि हम इसे थोड़ा जूम करना चाहे, समझो 150 करें, तो ये पिक्सलेटेड हो जाएगा, मतलब पिक्सल फट जाएगा, या तो हम उसे ओरिजिनल साइज करें 200%, तो भी यह पिक्सल फट जाएगा। अभी कमांड जेड कर देते हैं, ओके 100%, और ये परफेक्ट फिट है अभी। तो अभी इस क्लिप की कंपेयर हम ओरिजिनल क्लिप से करते हैं। देखिए, ये ओरिजिनल क्लिप है, जिसको मैं यहाँ से 50% कर देता हूँ, तब ये फिट हो गई। तो इसमें और ये जो हमने स्केल टू फ्रेम साइज किया है, उसमें आप देखिए यहाँ डिफरेंट हो गया क्वालिटी में। आप शायद वीडियो में देख पा रहे हो या नहीं, पर अभी क्वालिटी डिफरेंस लग रहा है, और स्पेशली जब आप इसे जूम करो, तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। 100% में इतना ख्याल नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसे जूम करो, जूम इफेक्ट देना चाहते हो, तब आपको इसका आइडिया आएगा कि इमेज पिक्सल वगैरह फट जाता है। तो इसके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ से राइट क्लिक करके आप उसे सेट टू फ्रेम साइज करें, तो यह वीडियो भी आपकी फ्रेम में परफेक्टली फिट हो जाएगा। और यहाँ स्केल में देखिए, आपकी इमेज को, आपकी फुटेज को उसने परफेक्टली फ्रेम साइज में फिट कर दिया, पर क्वालिटी लॉज नहीं होने दी, क्योंकि यह अभी 50% स्केल हो गया। तो यदि आप इसे की फ्रेम से जूम एनिमेशन वगैरह देना चाहते हैं, तो अभी आप यहां से दे सकते हैं। आप इसे 100% तक जूम करें, तो भी क्वालिटी लूज नहीं होगी, मतलब अभी हमारे पास यहां से ओरिजिनल जो क्वालिटी थी वहां तक जूम करने के लिए हमारे पास अभी कंट्रोल है। हम इसे और जूम कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, जूम इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा मोस्ट ऑफ टाइम आप सेट टू फ्रेम साइज ही यूज़ करें, क्योंकि यदि हम उसे चाहे तो उसकी ओरिजिनल जो इमेज है, ओरिजिनल रिजोल्यूशन है, उसमें यहाँ से स्केल अप करके यूज़ कर सकते हैं विदाउट लॉजिंग क्वालिटी। और ज़्यादातर जब आप इमेज यूज़ कर रहे हो और लाइक कैनबंस इफेक्ट वगैरह देना चाहते हो, तो अभी आप सेट टू फ्रेम साइज करके कर सकते हो, बाद में इफेक्ट दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पिक्सल रेस्टराइज नहीं होगा, पिक्सलेटेड नहीं हो जाएगा। और सेट टू फ्रेम साइज और स्केल टू फ्रेम साइज का एक और भी बेनिफिट है, यदि आपके पास सिक्वेंस में कई सारी क्लिप्स है, एक साथ सबको आप सेट टू फ्रेम साइज करना चाहते हो, तो आप एक साथ सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसे सेट टू फ्रेम साइज भी कर सकते हो। तो एक साथ सारी क्लिप्स जो आपने सेट टू फ्रेम साइज की है, वो आपकी फ्रेम में फिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको आइडिया आ गया होगा कि सेट टू फ्रेम साइज और स्केल टू फ्रेम साइज क्या है। यदि आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मैं हर वीक में एक दो वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो यदि आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, विल सी यू इन अनदर वीडियो।